के लुक लाइक अवार्ड है और ये लुक लाइक इतनी मेहनत करते हैं कि कपड़े पे ध्यान देते हैं, उन्होंने चश्मा कैसा पहना, ऐसा चश्मा पहनते हैं, आज से नहीं, ये कम से कम 25-30 साल से। ये अवार्ड फंक्शन तो बहुत पहले होना चाहिए था, खैर देर आए दुरुस्त है, अभी अभी लोगों की नज़रों में आया कि भाई एक लुक लाइक भी आर्टिस्ट है और नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। वैसे नकल तो सभी करते हैं, बगैर नकल के तो कोई नहीं है, हर कोई अपना आइडियल होता है, तो हम भी नकल करते हैं। लेकिन देखो आज ये नकल करते करते मुझे एक सीरियल मिल गई भाभी जी घर पर है जो एनडी आता है 10:30 बजे, आज मेरा उसमें रोल कंटिन्यू हो गया। ये मेहनत का नतीजा है, मैंने एक एक चीज़ प्रेम चोपड़ा जी कैसे बोलते हैं क्या करते हैं, तो मैं हर लुक लाइफ को बोलता हूँ मेहनत करो तो दिल से करो, फिर वो नहीं कि मैं शौकिया तौर, एक होते हैं आर्टिस्ट शौकिया तौर और एक होता है गॉड गिफ्ट, ये फर्क। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब हमारे यहाँ पे लुक अलाइक्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितना एक एक्टर को दिया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने एब्रॉड में बहुत शो किए भाभी जी से पहले भी, और मैं जब भी गया, मैं न्यूजीलैंड गया तो पब्लिक ने इतना प्यार दिया, मैं दुबई गया, नैरोबी गया, कई शो किए, लेकिन बाहर एब्रॉड में तो लुक लाइफ को बहुत प्यार मोहब्बत मिलती है और एकदम उन लोग ये करते हैं। यहाँ तो क्या है आजकल मुंबई नगरी है लेकिन यहाँ भी इज्जत मिलती है, ऐसी बात नहीं है। देखो चमत्कार का नमस्कार है, हमारे अंदर वो होना चाहिए कि कैसे हम इज्जत लें, मतलब मेहनत करो तो दिल से करो, पर मैं फिर ठीक है टाइम पास के लिए अलग है। भाभी जी घर पे है पर आपके काम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आज के इस अवार्ड में एक खास अवार्ड उसके लिए मिलने वाला है आपको? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये आरिफ भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया मैं आ गया, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो एक आया हूँ ऐसे, सबसे मुलाकात हो जाती है, सब यार दोस्त हैं। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना तड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले जिस तरह, बारिश में सोला तड़कने लगा तो तड़पने लगा। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। संजय दत्त नहीं हूँ मैं, आप लोगों को दारू के लिए नहीं पूछूंगा। और ये लुक लाइक अवार्ड शो हमने पिछले साल किया था इसी तारीख को, और इस साल हम लोग जो है ऑल इंडिया लुक लाइक अवार्ड्स लेकर आए हैं जो बहुत बड़ा है, और मैं इस शो में भूमिका निभा रहा हूँ एक एंकर की जो बैक स्टेज से घूमता है, ये बिग बॉस है, उसका हथियार साथ में लेके घूमता है, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी इस शो में बिग बॉस की, वो आवाज़ मेरी होगी, ये पहले लीक कर दिया आप लोगों के सामने। और कुछ पूछना है? हाँ, तो बिग बॉस की आवाज़ आपने बता दी है, तो कुछ हो जाए बिग बॉस की आवाज़ में? आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाता है, आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए और अपना कीमती समय दिया, आप लोग माइक हटा सकते हैं। बेस्ट लुक लाइक करके जो अवार्ड है, और उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि मैं भारत के अंदर सबसे अच्छा लुक लाइक अमिताभ बच्चन का मैं करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और उसके लिए ये अवार्ड मुझे मिलने वाला है, और उसके लिए मैं अरे भाई और जितने भी मीडिया है उनको फिर एक बार धन्यवाद। आपकी आवाज़ से लेकर लुक से लेकर हर चीज़ में कितनी मेहनत की है? देखिए इसमें काफ़ी मेहनत होती है, किसी भी कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत ही होती है, और उसके बगैर ये आसान नहीं होता है। और बच्चन साहब एक ऐसे किरदार है कि बच्चन साहब को कभी देख भी लेते तो उनके साथ से एक आवाज़ होती है, उनकी आंखों का एक अलग मजा होता है, उनके कंधे को
फिल्म चली थी उसका नाम है, और गुड फिल्म के अंदर मेरे कुछ रोल है नागराज जो ने बनाया, और जो लॉन्ग सीन है उस सीन के लिए मुझे किया गया है, तो उस सीन मेरे भी है। बाबू जी की कविता मुझे याद आ रही है, कविता को लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार चलती है, मन का विश्वास रखो मैं साहस बढ़ता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है, आदमी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। हमारे कैंसर एक साथ में रखते एक सोशल कॉज को सोशल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को, ताकि कैंसर के पेशेंट्स लोगों को साथ में लेके उनको लोगों की मदद हासिल हो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे, और हम एक फाउंडेशन का कैंसर एंड फाउंडेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, उसमें आरिफ जी ने हमारा साथ दिया। थैंक यू जी। देखिए ये बड़ी एक अवेयरनेस फैलाने वाली बात है, ये अब थोड़ा सा परिचय दे दिए हमारे, आज हमारे साथ भी कैंसर पेशेंट को भी हमने इन्वाइट किया, और उनकी जो संस्था है वो संस्था के हमारे चेयरमैन हैं मुल्ला साहब, और हमारे सीईओ है सविता नाथानी। अच्छा अब क्या पूछना है, फटाफट पूछो। शोर स्टार्ट कर सर, आपकी जोन का बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हमने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी, तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी इतनी अच्छी तरह से संस्था काम करती है, लोगों को मदद करती है, उसके बारे में थोड़ा पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ हमें इनवाइट किया है, हमारे जो बच्चे हैं कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, इससे उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है, उन्होंने अवेयरनेस के लिए हेल्प की है, वो ही नहीं कि आज इस प्रोग्राम में शायद हमसे और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, उसके लिए आरिफ को बहुत आरिफ भन जब से जुड़े हैं कितना फायदा हुआ आपकी संस्था को, हमेशा से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं करके आज इंडस्ट्री से हमको जोड़ लिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और उनके पास में बड़े बड़े लोग आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं उनके साथ जुड़ने को, उनको करोड़ों रुपए का चंदा देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने उनको नहीं जोड़ा, हमारे जैसे जो जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कला के सिवा कुछ नहीं, कार्य के सिवा कुछ नहीं है, उन लोगों को जोड़ा, ये उनका बड़कपन है, तो मैं फेडरेशन का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, और फेडरेशन ने जो हमको जोड़ा है हमारे साथ, मुझे प्रेसिडेंट बनाया, हमारे दिलीप मल्होत्रा साहब है, इन्होंने इसमें तन मन धन से हमारा साथ दिया है, और अभी हमारी कंचन पंडित जी बिजी है, नहीं तो वो यहाँ होती, तो आप देखते हो उनकी भी बहुत मेहनत है ये, और कंचन पंडित जी नहीं होते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, मेरे लुकल आई भाइयों का साथ नहीं होता, ये हमारे अमित जी जो है, तो अमित जी पूरे सड़क हस्ती है, इनका वैसे 10 अमिताभ बच्चन है, लेकिन ये वन एंड ओनली है दुनिया जानती है, इन्होंने इस शो के लिए मेरा बहुत साथ दिया और मेरे पर विश्वास किया, और ये पुणे में रहते प्रोफेसर है वहाँ से मेरे लिया है, और ये हमारे चेयरमैन साहब और सविता जी जो यहाँ पहुँचे हैं, ये इनका बड़कपन है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आप गॉडफादर हो गए, नहीं नहीं नॉट गॉड कोई किसी का, और मैं बता दूं आपको दुनिया में कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता है, सबका गॉड अल्लाह ईश्वर एक है, वो है, कोई अगर अपने आप को गॉडफादर कहलाना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि वो मतलब परस्ते सिर्फ शादी है, कोई गॉडफादर नहीं होता है, सिर्फ जरिया बनाता है ऊपर वाला, ऑडियंस को क्या कनेक्शन, ऑडियंस को इतना ही कहूँगा कि सर्वधर्म समभाव की भावनाएं अपने अंदर रखो,
और ऐसे गंदी पॉलिटिक्स में मत आओ कि जो हिंदू को मुसलमान से लड़ा है, ये हर हर मजहब के आदमी का देश है। इस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, इनको तोड़ो मत। और आप जनता को इतना ही कहूँगा कि आप इनकी बातों में मत आइए, आपस में लड़ झगड़ कर लहू यूं ही बहा दोगे, जब देश मांगेगा खून तो क्या दोगे। जय हिंद। केजरीवाल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। खांसी का क्या राज है आपका? खांसी है तो मौसम खराब हो जाता है तो खांसी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ये स्कॉर्पियो अपने साथ रखता हूँ। और इस नाम से लोग मेरे को फेमस कर दिए कि मुफलर वाला, तो ये खांसी की वजह से ही होता है। इसको बांध के रखता हूँ, पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए। दिल्ली में रहता हूँ, कभी भी मौसम बिगड़ जाता है तो दिल्ली की हवा तो खराब कर रही है। दिल्ली की हवा सीएम केजरीवाल ने खराब नहीं कर दी है। दिल्ली के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पराली जलाने का काम होता है, उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बना करके केंद्र सरकार को भेजी थी। मोदी जी से हमने उसके लिए बोला था कि उसको पास करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, ताकि ये एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूट होता है उस पर कंट्रोल किया जा सके। पर केंद्र सरकार सुनती नहीं है, मोदी सरकार सुनती नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ दिल्ली के काम काज में रोड़ा लगाती है। मोदी जी से हमारा कोई भैरभाव नहीं है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा है, उससे सवाल तो किया जाएगा, उससे हिसाब तो लिया जाएगा। जनता ने आपको पूर्ण बहुमत का, उससे ज़्यादा भी जब क्या कहना चाहिए, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बना के भेजा है। आपको पीएम बनाया है तो आपसे उम्मीद भी करेंगे, आपके ऊपर सरकार खर्चा भी करती है, ये जनता का टैक्स का पैसा है तो हिसाब तो बनता है, हिसाब तो मांगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। आपने झाड़ू क्यों शुरू किया? झाड़ू एक्चुअली हमारी पार्टी जो खड़ी हुई है, अन्ना जी के साथ हम लोग आए थे, और जो समाज के अंदर सिस्टम के अंदर बुराई है, अगर देश में तरक्की में कुछ बाधा है तो वो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार की सफाई के लिए हमने एक सफाई के नाम पर झाड़ू का चुनाव चल चुका है। गठबंधन होगा दिल्ली में कांग्रेस के साथ? देखिए, अभी हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये जो केंद्र सरकार है, दो दोस्त हैं, एक प्रधानमंत्री जी को पता है, तो ये दोस्ती अगर चलती रहेगी ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसलिए इस गठबंधन के खिलाफ, ये गठबंधन नया नहीं हो रहा है, जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं तो गठबंधन तो पहले से ही है। ये जो एनडीए की सरकार है, कौन सा गठबंधन नहीं है, किस गठबंधन की बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहे हैं, किसका एजेंडा है आज? उनको मेरे गब्बर सबको सलाम। आज जो लाइन है, जो हमने अगले साल प्रोग्राम जो किया था, तो उससे और हमें आज बेहतर करना चाहते हैं, और हम इसलिए करना चाहते हैं कि पब्लिक हमें देखे और पब्लिक खुश हो, और पब्लिक खुश हो और हमारा नाम और पब्लिक की देखने वालों का भी मतलब मनोरंजन हो। तो इसलिए आज ये शो है जो आजम खान साहब ने रखा हुआ है, तो हम लोग और चाह रहे हैं कि इससे और अगले साल और अच्छा करें। और गब्बर मुझे इसलिए बोला जाता है, गब्बर जिले जाता हूँ, आता हूँ जी, होटल में बैठता हूँ, कहीं भी दिल्ली हो, कहीं भी मैं गया हुआ हिंदुस्तान में, तो मुझे सब लोग प्यार से मुझे गब्बर 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 कहते हैं। तो मैंने अपनी किस्मत आजमा नहीं की, आरिफ खान से मिला, तो आरिफ खान ने मुझे इसमें बुलाया, इसमें चांस दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका खान साहब का जो वक्त जो खान साहब नहीं है अभी, तो उनका मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को उनके लुक में लूँ। और आप सब लोग का हाथ और साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं और आगे बढ़ूंगा। सरदार, अरे वो सांबा सरकार कितना इनाम रखे रहे हम पर, पूरे 50,000 सुधा, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 को दूर गांव में रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और इन तीन हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया, इसकी सजा बराबर मिलेगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे कि ओरिजिनल हीरोज होते हैं, उनके अवार्ड फंक्शंस होते हैं, कुछ करते हैं। आज मैं भी 97 से लगा पड़ा हूँ इस काम में,
97 में पहला मेरा सीरियल आया था हम पाँच, जिसमें मैंने काम किया था एज एन आमिर खान। फर्स्ट टाइम मैंने गुलाम का रोल किया था। मैंने काफ़ी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बॉलीवुड सिंगर देवाशीष घोष, और मैं एज ए सिंगर पहले आया था इधर। उसके बाद फिर लोगों ने कहने लगा कि मेरी शक्ल मिलती है आमिर खान से, तो फिर मुझे ट्राई करना चाहिए कुछ ऐसा। आई एम ऑल्सो एक एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मिमिक्री आर्टिस्ट। तो ये अवार्ड होने से क्या होता है कि हमारी जो एक मतलब लुक अलाइक भी कोई मतलब एक कैटेगरी है, तो लोगों को ये बात समझ में आती है। पहले लोगों को लगता था कि नहीं ये फैंस है, हीरोज के फैंस है। एक्चुअली हम फैंस तो है, बट क्या है, फैंस थे हम थोड़ा हटके, क्योंकि हमारा काम क्या है कि ये हमको इस चीज़ को हम काम समझ कर करते हैं। और फैंस क्या होता है, सिर्फ उस चीज़ को प्यार करते हैं, लगाव रहते हैं, हमको भी लगाव है, ऑब्वियसली लगाव रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे ऐसा। और ये बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि पिछली बार भी हुआ था, लेकिन मैं बाहर आउट ऑफ इंडिया था, तो मैं आ नहीं पाया। आज कुछ परफॉर्म वगैरह करने वाले? लेट्स सी, देखते हैं, कुछ परफॉर्म तो करना है। वैसे आप लोगों को सभी से कहना चाहूँगा कि मेरा एक, मैंने स्टार की रिवर्ट फंक्शन में कपिल शर्मा के साथ में कभी काम किया था, मैंने एज ए जीके बना था, उसमें पीके का दादाजी बना था, और वो बहुत सक्सेस शो हुआ था। मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आ चुका हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा उसमें आ चुका हूँ, मूवी वूवी में आ चुका हूँ। पिछले साल मेरी फिल्म भी रिलीज हुई थी आमिर सलमान शाहरुख, उसमें हम तीनों थे, और फिल्म कुछ जगह पर चली, ऑल इंडिया रिलीज नहीं हुई, लेकिन सक्सेस गई, बजट के हिसाब से सक्सेस थी। और मैं बेसिकली आई एम अ सिंगर, और मैं सिर्फ एक ही आवाज़ में नहीं बल्कि तकरीबन 51 सिंगर्स की आवाज़ को नकल करता हूँ। और कुछ सुनना चाहेंगे, कोई डायलॉग्स वगैरह? कोई अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा गोला माँ, हमारा गोला माँ तो कोनो भाषा ही नहीं है, माँ इनसे बतिया दे, कोनो कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ तो ससुरा बोलते कुछ है और उनका मतबल कुछ और निकलता है, एक ही शब्द के चार चार मतबल, चार चार। ऐसे मुंडी हिला के बोला अच्छा अच्छा, यानी सब कुछ ठीक था। आँखें बढ़ के बोला अच्छा, यानी शौक मार, तो ये अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा सा गया तो लाउडली अच्छा, अच्छा हमको सिखा रहे हो, अच्छा सोचता लंबा बोला अच्छा, अरे कहा अच्छा और कहा बुरा इतना डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हुआ। अभी दो एक लाइन में आप लोगों को अलग अलग सिंगर्स की सुना देता हूँ। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भी नहीं आता खाना भी नहीं आता। होप यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैंने अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ लगाई। कैसे हो, सत श्री अकाल, गेम शो और नमस्ते, सब मजे में हो ना? आज हमारे आरिफ भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, यानी एक साल जिसको हो गया है, तो हमारे कई सारे ऐसे लुक लाइक से जो कहाँ कहाँ रहते थे वो साथ में आकर आपके सामने परफॉर्म करते हैं, और आपका प्यार मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, समझो कि आप लोग यार। कैटरीना के साथ कब शादी होने लिया? आपको कुछ पता नहीं, आप मीडिया से हो ना? तभी तो पूछ रहा हूँ। कैटरीना कहीं इसकी बात अभी फिलहाल लो लिया है, ये क्या 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 होता है? ईस्ट और वेस्ट, इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड इज द बेस्ट। बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी यूनियन बनी हुई है और आज हमें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो हकदार होंगे इस अवार्ड के, बेस्ट लुक लाइक के, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो मैक्सिमम इंटरनेशनल हॉलीवुड में होता था, बट बॉलीवुड में
बॉलीवुड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है हमें देख के डुप्लीकेट कहते हैं, तो आज हमें भी फख्र से हम कह सकते हैं कि आज हमारी भी संस्था बन गई है। हम डुप्लीकेट सही, लेकिन हम एक यूनियन के एक हिस्सेदार है, हकदार है, और नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। और बहुत अच्छा लगता है कि डुप्लीकेट को देख के, हम शक्ल को देख के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी का हम शक्ल बनना बहुत टफ होता है, क्योंकि ओरिजिनल तो जो है अपना एक्टिंग कर लेता है, अपना बॉडी वैसे ही रखता है, लेकिन हमें उन्हें देख के पूरा एज इट इज वैसे ही हमें अपने आप को बनाए रखना पड़ता है। उनके हेयर्स, उनके स्किन, उनका बॉडी, हर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ता है। और जब हम परफॉर्म करते हैं, शूट करते हैं या इवेंट्स करते हैं, तो लोग हमें देखते हैं ऊपर से नीचे तक। अगर कुछ भी कम ज़्यादा देखे, अरे ये मोटा है, अरे ये काला है, अरे इसके बाल नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि ये दिखता नहीं है, ये दिखता है, लेकिन ये हमारा बिजनेस है और ऊपर वाले ने हमें ये शक्ल दी है, तो हम पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि जो भी है जनता जनार्दन है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं शाहरुख खान साहब का लुक लाइक हूँ, उनका हमशक्ल हूँ, और शाहरुख खान साहब ही मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे गॉडफादर है। पिछले 12 सालों से मैं शाहरुख खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने ओम शांति ओम, डॉन, चेन्नई एक्सप्रेस, डेयर जिंदगी, रईस, ट्यूबलाइट, ऐसे काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया है। अराउंड 300-400 एडवर्टाइजमेंट में मैंने काम किया है। शाहरुख खान साहब भी मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे गॉडफादर है। मैं जो भी हूँ शाहरुख खान साहब की वजह से हूँ। शाहरुख खान साहब नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। उनके एक फिल्म का डायलॉग है फैन में, आपने मुझे देखा होगा। अराउंड 40-50 डेज मैंने फैन में काम किया, बड़ा अच्छा लगा। उसी फिल्म का डायलॉग मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं जो भी हूँ, इट्स अ वंडरफुल ओकेजन टू स्टार्ट विद। जिससे आप बात कर रहे हो वो तो पक्का ओरिजिनल है। लोकलाइक अवार्ड्स, यस, आई चुप से आरिफ भाई ने काफ़ी मेहनत की है, द वे ही इज टेकिंग इट फॉरवर्ड। आज इन लोगों को रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दे आर दोज लॉस्ट नेम्स, बट दोज नेम्स विच हैव टू बी ऑलवेज बी देयर ऑन द फोर फ्रंट, एंड आरिफ भाई टेकिंग इट फॉरवर्ड इन द राइट मैनर, इट्स फैंटास्टिक, अमेजिंग। ओके सर, लुकअलाइक की बात करें तो एक ही जगह पे इतने सारे आर्टिस्ट को लाना बहुत बड़ी बात होती है। गुजरात से बाहर बहुत जगह से आए हैं। आरिफ जी के बारे में, ये इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना है कि इतने जन को एक? मैंने बिल्कुल यही कहा कि आरिफ भाई ने जितनी मेहनत की है इस चीज़ को अंजाम देने के लिए, अपने आप में बड़ी बात है, काबिल तारीफ़ है। जैसे आपने खुद कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गैदर ऑल दीज फेसेस टुगेदर, वो फैक्ट है। और जिस तरीके से वो इसको लेके बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आने वाले दिनों में और आगे तक जाएगा। ओके सर, आपने इसे ये इवेंट को स्पॉन्सर भी किया है, सो व्हाट वाज द कॉज? यार मैंने कोई चीज़ स्पॉन्सर नहीं की है। एक सोच जो आरिफ भाई की थी उसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं कि यार अगर इनको, इन चेहरों को प्रॉपर रिकग्निशन मिल सके, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सर, आपको लगता है कि इस तरह से अगर जो मेन स्ट्रीम अवार्ड्स है अगर उसके अंदर इन लोगों को भी एक कैटेगरी दिया जाए तो इनको भी? बिल्कुल देना चाहिए। आज द फैक्ट इज कि अगर इनको आप सम्मानित नहीं करो तो किन को करोगे? दे आर दोस रियल फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। आइए 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 भाई, आप ये पिछले साल जो हमारा शो हुआ था बॉलीवुड लुकअलाइक अवार्ड शो, उसी शो को देख करके उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि इस शो को आप अलग परचम पर देखोगे। और वही बात आ जाए, इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनका जो साथ हमारे को मिला, उसी वजह से आज ये शो हो रहा है। तो मैं चाहूँगा, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेहनत सिर्फ आपकी है, नहीं मेहनत मेरी है, लेकिन आपका साथ नहीं होता। जैसे ये हाथ है, हाथ में हाथ नहीं होता तो कैसे हाथ में हाथ कहलाएगा, वैसे ही साथ नहीं होता, क्योंकि बस इनका योगदान था हर तरह से, इसी वजह से आज हम सफल हैं। नहीं तो हमारा कोई मतलब इतना बड़ा कोई हमारा काम नहीं था। ज़्यादा कुछ कहना, चांद को चिराग दिखाना है, आप समझ सकते हैं इनके बारे में, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं सकते। तो इंडियाज़ बेस्ट लुकअलाइक अवार्ड शो में आप सबका स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद आप जो है तो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए आप लोगों का, तो मज़ा आएगा।
ठीक है, आइए सर, आइए। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है और मैं तो इतना जानता हूँ कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर के लुक लाइक हैं और हमें बुलाया है, हमें बहुत खुशी हुई है। और ये नाम ही ऐसा है, सचिन, सहवाग एंड विराट, आजकल वो तीनों को बुलाया, बहुत अच्छा लगा और मंच पे लोगों का प्यार भी बहुत मिला। और बस यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है कि लुक लाइक है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इस बार ये कैटेगरी भी शामिल की गई है, जो क्रिकेटर्स हैं उनके लुक लाइक को भी यहाँ पर शामिल किया गया, क्या कहेंगे? हाँ, मैं अकेला क्रिकेटर नहीं है बल्कि पॉलिटिशियन भी है और फिल्मी जो रह गए थे उनको भी दोबारा बुलाया गया है। जी, अच्छी बात है, पहले भी सोच रहे थे हमें बुलाने के लिए, लेकिन शायद उन्होंने बाद में सोचा होगा कि दोबारा जब फिर कराएंगे तो स्पोर्ट्समैन और पॉलिटिशियन को दोबारा फिर बुलाएंगे, तो हमें बुलाया, तो क्या बताएं, ये बहुत खुशी की बात, यही बोल सकते हैं कि इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड मिलना, वो भी हमने अपने 25 साल के इस कैरियर में, लुक लाइक के कैरियर में, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा कि एक लुक लाइक का अवार्ड हमें मिलेगा, तो सो मिला। हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने ये सोच रखी। आरिफ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए और एक पहचान दिलाने की कोशिश में लगे? आरिफ जी के लिए यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान ये सोच नहीं सकता। उन्होंने एक लुक लाइक के लिए सोचा, उनको आगे बढ़ाने की जो उन्होंने कोशिश की है, तो उनको हम बधाई देंगे और यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। अच्छा, होली आ रही है, सचिन के अंदाज में किस तरह से लोगों को शुभकामनाएं? मैं सब सचिन जी का आवाज़ में, ओके, मैं सभी को हैप्पी होली कहना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोलते हैं, रंग थोड़ा कम फेंकना। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब सचिन सहवाग खेलते थे तो उनको मैन ऑफ का मैच, मैन ऑफ का सीरीज, उन्होंने बहुत खिताब जीते हैं, उनको अवार्ड मिले हैं, लेकिन आज हमको ये पहली तरह का कि हमारे लिए विशेष ये एक मायने रखता है कि हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत जगह पे हमने लुक लाइक का, सहवाग का, सचिन का काम किया है कि आज मुझे हमें ये चीज़ मिली है, हमारे लिए ये विशेष हमारी ज़िंदगी में महत्व रखती है। मैं आरिफ खान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से कि उन्होंने काबिल हमें समझा। आपको लगता है इस तरह के अवार्ड और होने चाहिए? देखिए, होने चाहिए, क्योंकि लुक लाइक जो आपने देखा ही है, बड़े बड़े जो स्टार हैं वो अवार्ड फंक्शन पे जाते रहते हैं, अवार्ड लेते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन जो आरिफ खान जी ने जो एक जे सोच में रखे कि लुक लाइक, क्योंकि वो खुद भी अनिल कपूर जी के लुक लाइक हैं, तो उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि जो लुक लाइक हैं, जिनको लोग डुप्लीकेट भी बोलते हैं, कि उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए कि ये चीज़ उन्होंने रखी है, तो मैं सोचता हूँ कि आगे चल के उनको और ये चीज़ करनी चाहिए ताकि लुक लाइक जो हैं उनको काम मिले। बेचारे कई लोग तो गुमनामी में खो गए हैं, उनको गुमनामी से बाहर लाने के लिए ये एक विशेष जो काम उन्होंने किया है, तो आगे उनको और करना चाहिए ताकि आने वाले कई भी स्टार भी आएंगे और नए नए क्रिकेटर भी आएंगे तो उनका लुक लाइक भी कहीं ना कहीं आएगा। तो अगर ये चीज़ आगे तक चलती रहेगी तो उनको जो है तो कुछ कमाने का जरिया भी मिलेगा और उनका नाम भी होगा। मैं इवेंट्स करता हूँ, लुक लाइक इवेंट्स करता हूँ, बॉडी डबल्स करता हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा एक इवेंट भी है बेंगलोर में जो विराट के साथ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया, अवार्ड दिया गया, तो इससे बड़ी मेरे लिए बात नहीं है। सो आई एम वेरी थैंकफुल।